ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हूँ मैं पूर्व खूर्द वार्ड 31N, जहाँ निगम पार्षद अंजू अमन कुमार द्वारा आज छठवें दिन भी जो है हरिद्वार के लिए यात्रा जो है वो रवाना होने वाली है। लेकिन आज की जो यात्रा है वो काफ़ी विशेष है। क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि आज 17 सितंबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और इसी मौके पर जो यात्री हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा यात्री जो हैं वो यहाँ हरिद्वार रवाना हो रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि हरिद्वार जाकर ये 500 से जो यात्री हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे काफ़ी धूमधाम से। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर ये केक भले ही हरिद्वार में कट रहा हो, लेकिन इसके सूत्रधार हैं नॉर्थ दिल्ली के पूठ खुर्द वार्ड 31N से निगम पार्षद अंजू और उनके पति अमन कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर ये नायाब तोहफा अपने क्षेत्रवासियों को अंजू और अमन कुमार निशुल्क तीर्थ यात्रा के साथ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 5,000 श्रद्धालुओं को अपने निजी प्रयास से ये समाजसेवी जोड़ा हरिद्वार की यात्रा करवा चुका है, वो भी पूरे इंतजाम के साथ। जयकारे के साथ एक बार फिर आज छठवीं जो है वो बस हरिद्वार की ओर रवाना हो चली है। और आपको बता दें कि आपको अभी जैसे मैंने बताया था कि आज की ये जो यात्रा है वो काफ़ी विशेष है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। और भी हम लोगों से बात करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, हरिद्वार जाने का मौका मिल रहा है। हम उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स करेंगे कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो आगे सक्सेस हो जाए। हरिद्वार हम वैसे तो पहले जा चुके हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। अंजू अमन कुमार जी का जो काम है, कार्य है, वो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कार्य करते रहें, आगे को बढ़ते रहें, सबके लिए अच्छा बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अंजू अमन कुमार द्वारा? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश है काफी? बिल्कुल खुश है। अच्छा अम्मा, आपको कैसा लग रहा है हरिद्वार जाने का? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अंजू अमन कुमार जी का कार्य कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है बिल्कुल, हमारे देवर जी हमें। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो कैसे मनाएंगे? बहुत बहुत अच्छी डाला बधाई दे करके मोदी जी को। खास बात ये भी है कि पूठ खुर्द गांव से प्रस्थान हुई इस यात्रा में क्षेत्र के लोकप्रिय समाज सेवी अमन कुमार भी तीर्थ यात्रियों के साथ बस में गए। और वहां पहुंचते ही उन्होंने भव्य आयोजन के साथ हरिद्वार में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन कुछ इस अंदाज में मनाया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में हम पूठ खुर्द वार्ड 31N से 11 बसें लेके जा रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। और हर की पौड़ी हरिद्वार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 50 किलो का केक काट कर वहाँ पर जन्मदिन मनाएंगे। हम सभी कार्यकर्ता अपने वार्ड से, मैं अपने साथ जा रहा हूँ, अपनी जनता के साथ, अपने परिवार के साथ करीबन 550 आदमी जा रहे हैं। और वहाँ पर अंजू जी है, इकट्ठा हो गए सभी हर की पौड़ी पे, वहीं पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। लगातार एक हफ्ते तक 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को हरिद्वार की पावन यात्रा कराकर उन्हें पुण्य दिलाने का जो काम अंजू और अमन कुमार ने किया है, ये किसी भी राजनीति से परे है। लोगों की खुशनुमा तस्वीरें आपके सामने हैं और इनके प्रयास भी, और निर्णय क्षेत्र की जनता के हाथ में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर आप देख सकते हैं कि कितने बसेस जो हैं वो पीछे से रवाना हो रही हैं, सभी हरिद्वार जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर बड़े ही धूमधाम से लोग वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर केक काटेंगे और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। लोग काफ़ी खुश हैं और इसी जोश के साथ जो हैं लगातार जो बसेस हैं वो जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 500 से ज़्यादा जो हैं यात्री इस बस में हरिद्वार जा रहे हैं आज। और यही देखेंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो है आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे ही लगातार कई बसेस जो हैं वो जा रही हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण जी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।